अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम निमर्टियम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे पास एज कम्पेयर टू बाकी फाइलम के छोटा फाइलम है, और क्योंकि इसमें हमारे पास स्पीशीज कम है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से करेक्टर्स इसमें आते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइलम निमर्टियंस में जो स्पीशीज होती है उनको हम निमर्टियंस का नेम देते हैं। आप इसको फाइलम निमर्टिया या फिर निमर्टियंस जो है वो स्पीशीज की वजह से आप इनको निमर्टियंस का नाम देते, फाइलम निमर्टियन, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली आपके पास स्पीशीज होती हैं वो इलोंगेट होती हैं, इलोंगेटेड उनकी बॉडी होती है, और साथ साथ हम निमर्टियंस को फ्लैटेंड वर्म्स का भी नाम देते हैं हम। और जो फाइलम निमर्टिया की हमारे पास स्पीशीज हैं उनका जो हैबिटेट है वो हमारे पास मैरीन, इसके अलावा मड और सैंड जो सॉइल होती है उसमें वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो स्पीशीज आती हैं निमर्टियंस की, उसमें हमारे पास जो प्रोबोसिस होता है वो लॉन्ग होता है, और इसी वजह से हम इनको प्रोबोसिस वर्म्स का भी नेम देते हैं। ये भी डायग्राम में हम देखेंगे कि प्रोबोसिस बेसिकली क्या है। इसके अलावा इनका जो साइज होता है वो हमारे पास फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल सेंटीमीटर जो है वो लेंथ वाइज होते हैं, ठीक है। उनकी लेंथ होती है मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक। इसके अलावा जो मोस्टली निमर्टियंस होते हैं उनका जो कलर है वो आपके पास पेल होता है, इसके अलावा येलो कलर होता है, ऑरेंज, ग्रीन और रेड होता है। और निमर्टियंस में हमारे पास कौन कौन से स्पीशीज हैं जो इस फाइलम में इंक्लूडेड हैं? तो उसमें हमारे पास वो वाली स्पीशीज होंगे जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, और उसके साथ साथ उसमें हमारे पास एसिलोमिट जो है वो बॉडी होती है, और उनके जो सिमिट्री मौजूद होती है वो हमारे पास बायलैटरल सिमिट्री होगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास वर्म्स होते हैं जिनका हम प्रोबोसिस वर्म का नाम देते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और अनसेगमेंटेड होने के साथ साथ उनकी जो एपिडर्मिस है जो कि हमारे पास आउटर लेयर होती है वो सीलिएटेड होती है, उसमें सीलिया मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ वो कंटेन करती है हमारे पास म्यूकस। म्यूकस हमारे पास जो है वो जिलेटिनस जेली लाइक मटीरियल होता है। नेक्स्ट, हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लाइक उसमें माउथ और एनस दोनों पार्ट्स होंगे। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन है वो हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होती है, वो हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्राम में। जो सेरिब्रल गेंग्लिया है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारे पास सेरिब्रल गेंग्लिया और उसके साथ साथ जो है वो नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी मौजूद होती है, और उसके अलावा ट्रांसवर्स कंडीशन में भी हमारे पास मौजूद होती है नर्व कॉर्ड्स। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास क्लोज होता है, और क्लोज इसमें इसलिए नहीं कि इसमें हार्ट मौजूद होता है, इसमें हार्ट जो है वो एब्सेंट होता है, बल्कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और इसके अलावा वो ब्लड वेसल जो, जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो मूव करता है ओवरऑल ब्लड वेसल्स में भी, और इसके अलावा वो हार्ट से उसकी ऑक्सीजनेशन और पंपिंग वगैरह होती है जिसके बाद वो बॉडी में सप्लाई होता है। बट इसमें हार्ट ही नहीं होता तो वो आगे सप्लाई नहीं होगा, बट एक ही वजह से इसको क्लोज कहा जाता है क्योंकि वो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं और उसी में ही वो मूवमेंट करता रहता है। इसके अलावा बॉडी मस्कुलेचर होता है जिसमें हमारे पास 2 to 3 लेयर्स होती है मसल्स की, और उसमें मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास सिमेट्री की हमने बात की कि हमारे पास जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, और इसके साथ साथ एक हमारे पास एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है निमर्टियंस में, और वो हमारे पास किस लिए होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रैंचो और सील का नाम देते हैं, ठीक है। और रैंचो सीरस बेसिकली क्या है कि उसमें जो हमारी लॉन्ग प्रोपोसिस होती है वो उसमें उसको कवर किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग प्रोबोसिस को जो हमारे पास कवर करती है शीट, उसको हम रॉयंचो और सील का नेम देते हैं। इसके अलावा जो प्रोबोसिस होती है उसकी एक टॉप पे एक सरफेस भी होती है जो कि हमारे पास टिप्ड होती है, और वो टिप्ड आपके पास किस से होगी, बार के थ्रू होगी, जिसको आप स्टाइलेट का नेम देते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास ये है कि जो कॉर्निवोरस स्पीशीज हैं वो अपने प्रोबोसिस को यूज करते हुए वो कैप्चर करती हैं एनालिड को, ठीक है। एनालिड जो है हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास निमर्टियंस हैं वो अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में वो इस तरह से हमारे पास बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा वो क्रस्टेशियंस हैं वो उनको, और जो एनालिड्स हैं वो उनको एज ए प्रे के तौर पर यूज करते हैं और अपनी फूड का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसमें आपके पास जो स्टार्टिंग में पोर्शन है वो आपके पास सेंसरी पपिलिया है जो कि सेंसिंग में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास सेरिब्रल गेंग्लियॉन है जो कि लेंथ वाइज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में
फ्रंट से लेके बैकवर्ड तक वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास माउथ पार्ट है और ये हमारे पास एनस है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये रेड कलर की आपको जो है वो लॉन्ग प्रोबोसिस जो है वो दिखाई दे रही होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सेरिब्रल गैंग्लियॉन्स हैं उनके अराउंड जो है वो हमारे पास नर्व कॉर्ड भी मौजूद है जो कि लेटरल पोजिशन में है। अच्छा, इसमें आपके पास ये रेड से जो डाउनवर्ड है वो आपको व्हाइट कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास जो है वो रानचो सील है जो कि क्या कर रही है, हमारी प्रोबोसिस जो है वो उसको शीट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। और जिसमें पर्पल कलर का है वो हमारे पास तो स्टमिक है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो इनस पार्ट है जो क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको जो है वो एलिमिनेट करेगा बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करें तो प्लेटीहेलमिंथीस में हमारे पास जो है वो तकरीबन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एज कम्पेयर टू निमर्टियंस के कंप्लीट होता है, बट उसमें हमारे पास वन वे नहीं बट टू वे होता है, ठीक है। अनलाइक मतलब प्लेटीहेलमिंथीस के हमारे पास प्लेटीहेलमिंथीस की तरह नहीं, बल्कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्लेटीहेलमिंथीस के। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो वन वे होता है, ठीक है। जैसे आपके रोड आपके पास अवेलेबल होता है वन वे और टू वे में, सेम इसी तरह से इसमें आपके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो वन वे में अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो हमारे पास माउथ पार्ट होता है जो कि इंजेशन में हेल्प करता है सेम लाइक ह्यूमन, और इसके साथ साथ हमारे पास एनस पार्ट होता है जो कि क्या करता है कि डाइजेस्टिव जो वेस्ट होता है जो बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से बाहर विद द हेल्प ऑफ एनस। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की या जो डाइजेशन होती है, जैसे ह्यूमन में हमारी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो माउथ पार्ट में होती है, सेम इसी तरह से इनकी जो मैकेनिकल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और फीसेस ओवरऑल जो प्रोसेस है वो इंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ फिर जैसे ह्यूमन में है एसोफेगस और स्टमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, सेम इसी तरह से इसमें कहाँ से मूव करेगा, इंटीरियर पोर्शन, और इंटीरियर से वो आपके पास है माउथ फिर स्टमिक और फिर एनस। और इसके साथ साथ इसमें एक और भी इनोवेशन होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर फाइलम के डिफरेंट है, और वो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो एनिमल्स हैं इनमें एक बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो मूव करती जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास हायर एनिमल्स के साथ कंपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हमारे पास जो न्यू इनोवेशन है जो कि फर्स्ट टाइम निमर्टियंस में ही इवॉल्व हुई, वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसमें हमारे पास 2 लीटर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बेसिकली जो हेल्प करती हैं ब्लड की मूवमेंट में, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई हार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्शन होती है वॉल्स की, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो लार्ज वेसल्स हैं वो प्रोपेल कर देती हैं ब्लड को, पुश करती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इंटीरियर से पोस्टीरियर और पोस्टीरियर से इंटीरियर। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पीशीज में बट नॉट प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज, ठीक है। और इसमें जो कम्बिनेशन होता है ब्लड वेसल्स का वो डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी पे, और उसके अलावा उनमें लोकल टिश्यूज जो है वो कितने मौजूद हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, कितनी जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है फूड की, वाटर की एंड अदर मटीरियल्स। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास निमर्टियंस हैं वो ग्रो करते हैं लार्जर एज कम्पेयर टू अदर जो है वो फ्लैटवर्म्स के, ठीक है, जो फ्लैटवर्म लास्ट लेक्चर में पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास निमर्टियंस जो है वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस में आपके पास कौन सी स्पीशीज आती हैं जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिवेलप होते हैं पेरेन्काइमा से, और वो आपके पास डिवेलप होने के साथ साथ ईच साइड पे डेवलप होंगे बॉडी के, ठीक है, लाइक राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो आपके पास साइड्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपके पास रिजल्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलमेट शेप जो है वो सिलिएटेड लार्वा होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, प्लेडियम का नेम देते हैं, और ये आपके पास हेल्प करता है वो आपके पास लार्वा होगा और लार्वा फिर मूव करेगा एडल्ट में, ठीक है, जायगोट और फिर एडल्ट। इसके अलावा हमारे पास जो फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्योंकि सीलिएटेड लार्वा होते हैं, इसलिए लार्वा जो है वो सीलिया होने की वजह से उसमें फ्री स्विमिंग की एबिलिटी होती है, और वो टाइम के साथ साथ वो डेवलप करेगा यंग वर्म में, ठीक है, और उसके साथ साथ वो सेटल होगा सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, और जब उसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी तो वो सबस्ट्रेट को जो है वो लीव करके अदर साइड से मूव करेगा, और इसके साथ साथ वो फीडिंग भी जो है वो खुद ही करेगा ताकि
फीडिंग करेगा तो उसका साइज इंक्रीज होगा और उसके बाद वो एडल्ट में यंग में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मूवमेंट। मूवमेंट बेसिकली किसी तरह से होती है कि जो एडल्ट निमर्टियंस है वो आपके पास मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेल। ठीक है, और वो टेल को ग्लाइड करते हैं और उसके साथ साथ वो फिर मूव करते हैं। इसके अलावा सीलिया और पैरास्ट्राल्जिक जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी मसल्स की, तो वो जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं प्रपल्सिव मूवमेंट के। वो पुश करेंगे और नेक्स्ट फिर मूव करेंगे। ठीक है, एक तो सीलिया हेल्प करते हैं मूवमेंट में, दूसरा हमारे पास जो है वो पेरिस्टाल्टिक जो कंट्रेक्शन होती हैं मसल्स की वो उसको मूव करने में हेल्प देती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का प्रोसेस होता है वुमेन्स में। ठीक, वुमेन्स में भी और साथ में मेन में भी, आप ह्यूमन में कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ट्राइसेप और बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान में हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, या अगर आप सेगमेंटेड वर्म्स को या अनसेगमेंटेड जो वर्म्स होते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका बॉडी का साइज कम हो जाएगा, और जब वो रिलैक्स करेंगे तो वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूव करेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो फाइलम निमर्टियंस है ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो मैं आपको बताते हैं, फाइलम गैस्ट्रोट्राइकस वो डिस्कस करेंगे।